देखिए भाई, हमारे पास पल्सर बाइक है 150 सीसी, जिसका करंट प्रॉब्लम है। इसमें करंट नहीं आ रहा है, ना तो इसमें करंट आ रहा है, ना तो इसकी कोई लाइट जल रही है। देख लीजिए, चाबी कटी है, ना लाइट जल रही है, ना करंट आ रहा है, कहीं से भी लाइट नहीं आ रही है। कहाँ से फॉल्ट है, अभी हम उसको चेक करके आपको बारी बारी चेक करके आपको हम दिखा रहे हैं। बैटरी इसकी ख़राब हो चुकी है, बैटरी में ज़रा सा भी कुछ नहीं रह गया, बैटरी इसकी एकदम ख़राब है। हम इसका सबसे पहले करंट चेक करेंगे टंकी कोयल करंट से, यहाँ से हम सबसे पहले चेक करेंगे इसका करंट आ रहा है कि नहीं। की कुमार बाबू, चाबी काटो। देख लीजिए भाई, इसमें करंट नहीं आ रहा, देख जरा सा भी करंट नहीं आ रहा। कॉइल चेक करने के बाद हम इंटर रिले चेक करने जा रहे हैं, डायरेक्ट करके देख रहे हैं इसको, उसके बाद करंट आ रहा है कि नहीं इसमें। अभी करंट नहीं आया इसका। इसका मतलब ये इंटर रिले जो है सही है, आपका इंटर रिले सही है। इसको हम अब लगा दे रहे हैं, इंटर रिले आपका सही है। अब हम सीडीआई को चेक कर रहे हैं, सीडीआई को इसका इस यही वाला तार है, इसको हम लगा के देख रहे हैं इसमें करंट आ रहा है कि नहीं। ठीक मारो, उसमें भी करंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी सही है इसका। अब हम सीडीआई लगा दे रहे हैं, सीडीआई भी आपकी सही है। अब हम इसका तो वायरिंग तो ख़त्म हो गई है, लेकिन इसका मेन तार कॉइल का देख लीजिए, एक ये वाला है, एक तार ये है, एक तार देख लीजिए ये वाला है, सफ़ेद पट्टी है इसमें, नीला में सफ़ेद पट्टी है, एक ये है नीला में सफ़ेद पट्टी। इसमें हम देख रहे हैं करंट आ रहा है कि नहीं। चलो देख लीजिए भाई, इसमें करंट आ रहा है, इसका मतलब आपका कॉइल भी सही है। देख लीजिए भाई, कॉइल वाला तार है ये जो है, जिसको आप चार्जर बोलते हैं, रेगुलेटर, उसमें हम लगा दिए हैं सफ़ेद वाले वायर में। उसके बाद देख रहे हैं ये सही है कि नहीं। देख लीजिए भाई, करंट आ रहा है, इसमें करंट आ रहा है, इसका मतलब ये भी सही है, इसका मतलब ये भी सही, इसका मतलब कहीं से वायरिंग फॉल्ट है इसका, इसका मतलब कहीं से वायरिंग फॉल्ट है। अभी तक इसकी लाइट, मीटर की लाइट नहीं जली है, अभी तक इसकी मीटर की लाइट नहीं जली है। तो हम सबसे पहले अब बैटरी चेंज कर दे रहे हैं, ये बैटरी डेट है, अब दूसरी बैटरी लगाते हैं, उसके बाद फिर हम देखिए भाई, इसमें हम बैटरी दूसरी डाल दी हैं। वो बैटरी पहले वाली जो थी गाड़ी के साथ में, वो बैटरी ख़राब हो गई थी, डेट थी, हम बैटरी दूसरी लगा दिए हैं। अब दूसरी बैटरी लगा के हम सो खोल के सो में चेक कर रहे हैं, कहीं से वायरिंग फॉल्ट तो नहीं है इसका, और सो इसका खुल गया है। देख लीजिए, नई बैटरी लगाने के बाद भी इसमें करंट नहीं आ रहा है, न्यूट्रल तक पूरा मीटर में लाइट नहीं आ रही, मीटर की लाइट एकदम बिल्कुल गायब है, इसमें वायरिंग फॉल्ट कहीं से है।
इसमें भी कुछ फॉल्ट नहीं मिला। अरे बाबू खोल तो खोल खोल फट से खोला तो। इसको खोलो फट से। देख लीजिए इसका एक तार ही है रेड कलर का, ये देख लीजिए इसका रेड कलर का तार टूटा है, उसको जोड़ो बाबू। अब चाबी काटिए, देखिए मीटर में लाइट आई कि नहीं। अभी नहीं आई, इसका मतलब कहीं से और फॉल्ट है। बताओ तो टेप खोल दो, टेप खोलो पूरा। देख लीजिए इसका मेन तार देख लीजिए इसका कटा हुआ था, यहाँ इसका मेन तार देख लीजिए कटा हुआ था, इसका फॉल्ट यही है। मेन तार इसका देख लीजिए, स्विच का मेन तार कटा हुआ है, स्विच का बिना जाने समझे बिना सोचे समझे ये फॉल्ट एकदम मिल गया है। ये मेन स्विच का तार कटा हुआ था, ये जो सफ़ेद वाला तार है मेन स्विच का है, यहाँ भी सफ़ेद वाला मेन स्विच का है। इसको अभी हम जोड़ दे रहे हैं, उसके बाद करंट चेक कर रहे हैं। उसको भी जोड़ो, अब देखिए न्यूट्रल लाइट आई कि नहीं इसमें। चाबी काटो। देख लीजिए भाई इसकी पूरी रीडिंग, मीटर में सब लाइट आ गई। इसका वही फॉल्ट है, वायरिंग कट गई थी बीच में, इसकी मेन सप्लाई गायब थी, यहाँ वायरिंग फॉल्ट था इसका। देख लीजिए ये मिल गया इसका फॉल्ट। अब हम देख रहे हैं इसका करंट आ रहा है कि नहीं कॉइल में, ये टंकी कॉइल में इसका करंट आ रहा है कि नहीं। देख लीजिए इसका करंट आ गया, अच्छी तरीके से इसका करंट आ गया। हमारा कस्टमर देख लीजिए इसका करंट आ गया, उस कॉल में देखो बाबू, देख लीजिए इसमें भी करंट आ गया, इसमें भी करंट आ गया। इसका मतलब ये फॉल्ट मिल गया, यही इसका फॉल्ट है, यही मेन तार इसका कटा हुआ था पूरा एकदम, बिल्कुल परेशान करके इस फॉल्ट ने हमको रख दिया। काफ़ी समय लग गया ये करंट छोड़ने की बीमारी खोजने में, ढूंढने में काफ़ी समय लग गया। ये फॉल्ट इसका मिल गया है। अब इसको हम सेट करके अभी स्टार्ट करके हम दिखा रहे हैं। अब इस जो फॉल्ट मिला है उस पर हम बढ़िया तरीके से टेप मार के इसको सब हम अंदर करके बढ़िया तरीके से इसको हम फिटिंग करके अभी स्टार्ट करके हम दिखा रहे हैं इस बाइक को। देखिए भाई इसकी लाइट आ गई, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट हो गई है, जो करंट फॉल्ट है वो आपका करंट फॉल्ट सही हो गया। यहीं पर इसका फॉल्ट था, हैंडल के बगल में इसका मेन तार टूट गया था, इसलिए करंट नहीं दे रही थी बाइक। अब बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टार्ट हो गई है। जो लोग अभी मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो लोग चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। ज्ञान स्पेशल चैनल।